प्लस 22 प्लस 11 प्लस 11 माइनस 33 प्लस 11 माइनस 22 प्लस 44 माइनस 33 प्लस 11 माइनस 22 प्लस 77 माइनस 55 प्लस 22 आंसर 44। ये आप देखिए पावनी गुप्ता किस तरीके से दोनों हाथों से हिंदी और इंग्लिश लिखेंगी और एक साथ लिखेंगी, ये आप देखिए। जैसे सर बोलते रहते हैं हम ऐसे माइंड में रखते रहते हैं क्वेश्चन और फिर आंसर बोल देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आंखों पर पावनी गुप्ता ने पट्टी बांध रखी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारे जनपद सहारनपुर में भी बहुत सी प्रतिभाएं हैं लेकिन ज़रूरत है तो बस उन्हें तराशने की। आज आदित्य सैनी हमारे साथ में मौजूद हैं और बड़ी विलक्षण प्रतिभाएं हैं। अभी डीएम साहब ने इन्हें सम्मानित भी किया है। ये तो आप आदित्य सैनी को देख रहे हैं और ये एक तरह से गुरु द्रोणाचार्य हैं जो इस प्रकार की प्रतिभाओं को तराशने का काम कर रहे हैं। ये सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, डीएम साहब ने ये सर्टिफिकेट आदित्य सैनी को दिया है। अब आदित्य सैनी के अंदर ऐसी क्या प्रतिभा है जो डीएम साहब ने इन्हें सम्मानित किया है? और जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, आदित्य सैनी ने अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इनके जो गुरु हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरियन जैन, 3 times वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, डायरेक्टर ऑफ ब्रेन बूस्टेबल अकेडमी। अरियन जी, आदित्य सैनी का नाम इस समय बड़ा चर्चाओं में है, तो आदित्य सैनी ने मतलब रिकॉर्ड क्या बनाया है? आदित्य सैनी ने 56 seconds में 12 टेबल सुनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो मेरा ही रिकॉर्ड ब्रेक करा है मेरे ही स्टूडेंट ने। मेरा रिकॉर्ड था 1 minute में 11 टेबल सुनाने का, आदित्य सैनी ने 56 seconds में 12 टेबल सुनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में। अच्छा, अगर मैं देसी भाषा में कहूँ तो आदित्य सैनी 56 seconds में 12 तक पहाड़े सुना सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। अरे नहीं, बिल्कुल सुनो, आगे दिखाएंगे। आदित्य जी आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ जी। तो करके दिखाइए जरा। समाप्त हो गया? हाँ जी भाई, मेरी तो समझ में कुछ आया नहीं, आपने स्पीड इतनी पकड़ रखी थी। तो मतलब ये आपने किस तरीके से किया, कितना आपने अभ्यास किया? 2 महीने दो महीने का टाइम लगा था और फिर उसके बाद सर को वीडियो भेजी थी और मिल गया, बन गया। तो ये आपके अंदर इस प्रकार की प्रतिभा पहले से ही थी या आपको यहाँ पर आपके गुरुजी के द्वारा सिखाया गया? यहाँ पे सर के, अरियन सर ने सिखाया था, अरियन सर ने प्रैक्टिस करवाई थी इसकी बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद इस वजह से बना है। तो बेटे आपकी ये जो प्रतियोगिता हुई थी जहाँ पर आपने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ये कहाँ पर हुई थी और कितने बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया? ये वो कंपटीशन नहीं हुआ था, ये यहीं पे मैंने सर को वीडियो भेजी थी, फिर उन्होंने वहाँ पे उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड को भेजी थी, तो कोई कंपटीशन नहीं हुआ था। ये मतलब किस तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बच्चे ने बनाया है? सर हमने इसकी सबसे पहले तो वीडियोस बनाई हैं जिसको हमने प्रॉपर चेक करा है कि बच्चे ने 56 seconds में 12 टेबल्स उसके कंप्लीट हो जाए। फिर इसके बाद हमने वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे पहले इसका नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया, वहाँ पर हमने एविडेंस सबमिट करे, फिर वहाँ से हमारे पास कन्फर्मेशन मेल आया है कि हाँ सच में आदित्य सिंह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए एलिजिबल है। तो उन्होंने फिर उसके बाद हमारे को सर्टिफिकेट मेल के थ्रू कन्फर्मेशन लेटर भेजा है कि हाँ आदित्य सिंह का वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व रिकॉर्ड बन गया है। अच्छा, ये वो सर्टिफिकेट है? यस। तो ये आप देख सकते हैं, ये आदित्य सैनी को वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पर ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और आदित्य अब आपका अगला लक्ष्य क्या है? एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड का दोनों हाथों से लिखने का, आंखें बंद करके।
अब आपका आंखें बंद करके दोनों हाथों से लिखने का आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। हाँ जी। तो उसके लिए आप अभ्यास कर रहे हैं। हाँ जी। और अब हम आपको मोबाइल के जरिए दिखाएंगे जिस तरीके से आदित्य सैनी ने रिकॉर्ड बनाया है। 56 सेकंड में इन्होंने 12 तक टेबल्स को सुनाया है। ये आप सीधे यहाँ इस मोबाइल में देखेंगे और यहाँ पर आदित्य सैनी टेबल्स को सुनाएंगे। और अब आप स्टार्ट करिए। ये आप देख सकते हैं अब की बार 46 सेकंड में आदित्य सैनी ने यहाँ पर 12 तक टेबल्स सुनाए हैं। ये आप रिकॉर्ड देख सकते हैं और ये बड़ी विलक्षण प्रतिभा है। तो अब की बार तो आदित्य सैनी ने और ये नया रिकॉर्ड बना दिया। हाँ जी, अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है। और अब पावनी गुप्ता हमारे साथ में मौजूद हैं। इन्होंने भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब इनके जो गुरु हैं इनसे जानते हैं पावनी गुप्ता ने मतलब ये कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पावनी गुप्ता ने 27 सेकंड में 30 तक के स्क्वायर सुनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिसको इमरान मसूद जी ने सम्मानित किया था। मतलब पावनी गुप्ता 30 तक स्क्वायर 27 सेकंड में केवल 27 सेकंड में स्क्वायर सुना देगी। एक सेकंड भी एक स्क्वायर को सुनाने में नहीं लिया। यही प्रतिभा है या और भी आपके इस इंस्टीट्यूट में ऐसे बच्चे हैं? हमारे इंस्टीट्यूट में सारे ही बच्चे अलग से अलग प्रतिभा रखते हैं। कुछ बच्चे दोनों हाथों से ड्राइंग भी बना सकते हैं, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, बिना कॉपी पेन के मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ कर सकते हैं। तो पावनी बेटा आप तैयार हैं 30 तक स्क्वायर सुनाने के लिए? यस सर। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ये घड़ी एक बार फिर से तैयार है और अब हम पावनी गुप्ता की प्रतिभा को आपको दिखाएंगे। स्टार्ट। 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square is 25, 6 square is 36, 7 square is 40, 9 square is 61, 9 square is 81, 10 square is 100, 11 square is 101, 12 square is 104, 13 square is 169, 14 square is 196, 15 square is 225, 16 square is 256, 17 square is 29, 18 square is 324, 19 square is 361, 20 square is 400, 21 square is 441, 22 square is 44, 25, 24 square is 576, 25 square is 65, 26 square is 676, 27 square is 729, 28 square is 784, 29 square is 841, 30 square is 900. तो ये आप देख सकते हैं पावनी गुप्ता ने अब की बार 24 सेकंड में 30 तक स्क्वायर यहाँ पर सुनाए हैं। तो पावनी आपने किस तरीके से इसकी तैयारी की? सर इसकी तैयारी करने में मेरे को 3 मंथ्स लग गए थे एंड यहाँ पे भी सर ने भी तैयारी करवाई, घर पे भी तैयारी करी है एंड देन फिर रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। पावनी जो हमें पता चला है ये पता चला है कि आप दोनों हाथों से व्हाइट बोर्ड है इस पर लिख भी सकते हैं। सर आंखें बंद करके भी लिख सकती हूँ मैं दोनों हाथों से और एक हाथ से हिंदी एक हाथ से इंग्लिश में सेम टाइम पे भी लिख सकती हूँ इस तरह से। मतलब आंखें बंद करके एक हाथ से आप हिंदी लिख सकती हैं और एक हाथ से इंग्लिश लिख सकती हैं, दोनों हाथों से लिख सकती हैं? सही है, एक हाथ दोनों हाथों से इंग्लिश लिख सकते हैं, दोनों हिंदी आंखें बंद करके वो भी। तो अब हम आपको पावनी की इस प्रतिभा के भी दर्शन कराएंगे। अब पावनी यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर एक हाथ से हिंदी लिखेंगी और एक हाथ से अंग्रेजी लिखेंगी, बराबर लिखेंगी और आंखें बंद करके लिखेंगी। यस सर। सर आंखें बंद करके नहीं, वो तो वैसे होगा हिंदी और इंग्लिश में दोनों हाथों से एक बार में, बट आंखें बंद करके इंग्लिश में लिख सकती हूँ मैं इस तरह से। चलो बेटा आप अपनी प्रतिभा यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर दिखाइए और हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप देखें किस प्रकार की प्रतिभाएं हमारे जनपद सहारनपुर में हैं। पावनी गुप्ता यहाँ पर अब आप देख सकते हैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध रही हैं पावनी गुप्ता। पावनी यहाँ पर कैमरे के सामने आप दिखाइए, ये देखिए आप पट्टी बांध रही हैं पावनी गुप्ता अपनी आंखों पर और अब ये प्रतिभा आप पावनी गुप्ता की देखना। ये स्टार्ट।
ये आप देख सकते हैं पावनी गुप्ता अपने दोनों हाथों से लिख रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आंखों पर पावनी गुप्ता ने पट्टी बांध रखी है। ये आप देखें, ये है जनपद सहारनपुर की प्रतिभाएं, और मैं ऐसे गुरु को भी सैल्यूट करना चाहूँगा जो इस प्रकार से बच्चों को तराशने का काम कर रहे हैं, इन प्रतिभाओं को सामने लेकर आ रहे हैं। ये आप देखें किस प्रकार से पावनी गुप्ता यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर दोनों हाथों से लिख रही है। आपने थ्री इडियट्स फिल्म जरूर देखी होगी, जिसमें क्या नाम है सर उनका, वीरू शास्त्र बुद्धे। हाँ, वीरू शास्त्र बुद्धे भी दोनों हाथों से लिखते थे। तो पावनी, अब आप दोनों हाथों से हिंदी और इंग्लिश लिख कर दिखाइए। ये आप देख सकते हैं 21 का टेबल यहाँ पर पावनी गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। ये अब आप देखिए पावनी गुप्ता किस तरीके से दोनों हाथों से हिंदी और इंग्लिश लिखेंगी और एक साथ लिखेंगी। ये आप देखिए, ये आप देख सकते हैं। ये पावनी गुप्ता दोनों हाथों से हिंदी और इंग्लिश लिख रही हैं। ये देख सकते हैं मेरा नाम, और उधर लिखा है माय नेम। ये आप देखिए, ये कमाल की प्रतिभा है। दोनों हाथों से पहले आंख बंद करके टेबल लिखा है, और अब आंखें खोलकर दोनों हाथों से एक साथ हिंदी और अंग्रेजी लिख रही हैं पावनी गुप्ता। माई नेम इज पावनी, मेरा नाम पावनी है। ये आप देखिए, बड़ी जबरदस्त यहाँ पर तैयारी है पावनी की, और आगे चलकर तो और भी ये रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगी। और जिस तरीके से अभी स्पीड थोड़ी स्लो है, तो ये स्पीड और ज्यादा होगी या नहीं? सर जरूर होगी। हाँ, तो पावनी में कॉन्फिडेंस है कि स्पीड और ज्यादा होगी। तो अब आपका और आगे लक्ष्य क्या है? सर आगे मैंने काफी वर्ल्ड रिकॉर्ड की सोची है। पहले तो ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाया है, इसी को ही ब्रेक करना। मैं चाहती हूँ कि मैं 100 तक के स्क्वायर सुनाऊं, एंड वो भी 5 मिनट के अंदर अंदर। दूसरा कि एक हाथ से हिंदी और एक हाथ से इंग्लिश में लिखना, और तीसरा कि आंखें बंद करके बिल्कुल फ्लो में लिखना। ये 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड की सोची है मैंने। इस इंस्टीट्यूट की 2 और प्रतिभाएं हमारे साथ में मौजूद हैं, एक कृष्णव नारंग है और एक अर्जुन सैनी है। नाम सही बताया ना? यस सर। तो इनकी क्या प्रतिभा है? सर ये बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन विदाउट कॉपी पेन सॉल्व कर देंगे, वो हम दिखाना चाहेंगे आपको। कुछ रेडी? यस सर। +2 +1 +1 -3 +1 -2 +4 -3 +1 -2 +7 -5 +2 -3 +1 -2 +6 -5 +1 -2 +4 -3 +1 -2 +1 आंसर 2। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गुरुजी ने काफ़ी लंबी संख्याएं बोली हैं, और उन्हें जोड़ घटाओ इस तरीके से कहा है, और यहाँ पर दोनों ही बच्चों ने एकदम से जवाब दिया है 2। अब आप और बोलिए। +22 +11 +11 -33 +11 -22 +44 -33 +11 -22 +77 -55 +22 आंसर 44। ये आप देख सकते हैं दोनों ही बच्चों ने एक साथ जवाब दिया है। क्या ये बिल्कुल सही आंसर था? हाँ जी सर, बिल्कुल सही आंसर। तो ये कैसे आप इन प्रतिभाओं को तराश रहे हैं, किस प्रकार से इनके दिमाग में आता है कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, और कैसे हमने जोड़ना है, कैसे हमने घटाव करना है? सर हम यहाँ पर अबेकस, वेदिक मैथ्स दोनों हाथों से लिखने की क्लासेस कराई जाती है, साथ साथ मेमोरी साइंस का कोर्स कराया जाता है, जिसके थ्रू हम बच्चों को मेडिटेशन, लर्निंग पावर की कैसे लर्न करना है, सब कुछ हम सिखाते हैं। कि अबेकस के थ्रू आप बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस विदाउट कॉपी पेन सेकंड्स में सोल्व कर सकते हैं।
ऐसे हम वैदिक मैथ सिखाते हैं। जब हमारे पास पुराने समय में कैलकुलेटर्स नहीं होते थे, तब भी तो कैलकुलेशंस होती थी। हम अपने प्राचीन मैथ्स को भूलते जा रहे हैं, हम उसी को बढ़ावा देते हैं, बच्चों को उसी के मेथड से हम सिखा रहे हैं कि आप उसका कैसे यूज कर सकते हैं बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस को सोल्व करने के लिए। क्योंकि आजकल का जो जमाना है कॉम्पिटिशन्स का है, वहाँ पर हमारे पास समय नहीं होता कि हमें कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट करें। तो उसी को हमें बचाना है समय को भी, और मैथ्स में हमें परफेक्ट बनना है। जो आजकल बच्चों के अंदर डर रहता है कि मार्केट में जा रहे हैं कि अगर कुछ भी प्लस करना है तो सबसे पहले कैलकुलेटर निकलेगा। इस प्रकार के और कितने बच्चे हैं? और अर्जुन सैनी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 7 साल उम्र है। आपकी 7 साल उम्र है, तो आप घर पर इस तरीके का अभ्यास करते हैं? यस। कितना समय आप अभ्यास करते हैं? सुबह शाम, सुबह को ऐसे करते रहते हूँ मैं हमेशा। तो आपके दिमाग में किस तरीके से आता है गुरुजी जो बोलते हैं, तो आपके दिमाग में किस तरीके से कैलकुलेट करते हो? जैसे सर बोलते रहते हैं, हम ऐसे माइंड में रखते रहते हैं क्वेश्चन और फिर आंसर बोल देते हैं। इसे कब से आप तैयारी कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ 2 साल से। 2 साल से आप कब से तैयारी कर रहे हो बेटा? सर मैं वो 2 महीने हो गए। 2 महीने? यस सर। तो अब आपका लक्ष्य क्या है? सर इसमें परफेक्ट बनना है, मिक्स डिजिट में। अच्छा, क्या बोलते हैं? अबैकस। अबैकस, यस सर। तो और भी इस प्रकार के बच्चे हैं? सर हमारे पास अनगिनत बच्चे हैं, कि हमारे पास बच्चों की गिनती नहीं है कि कितनी प्रतिभाशाली बच्चे हैं। हमारे पास बच्चे ऐसे ऐसे मिलेंगे जो दोनों हाथों से ड्राइंग भी बना सकते हैं, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन सेकंड्स में सॉल्व करने। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे हम पता नहीं कितने बच्चों के भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाने वाले हैं सहारनपुर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो जनपद सहारनपुर की प्रतिभाएं हैं, उनके दर्शन हमने आज आपको कराए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, ताकि पता चल सके कि किस प्रकार की प्रतिभाएं हमारे सहारनपुर में छिपी हुई हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये वो इंस्टीट्यूट है जो इस प्रकार के बच्चों को तराशने का काम कर रहा है, इस प्रकार की प्रतिभाओं को पहचानने का काम कर रहा है। ब्रेन बूस्टेबल एबेकस क्लासेज 1 to 5, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये बच्चों के परिजन शायद हैं, बच्चों के परिजन हैं। आप आदित्य सैनी के फादर हैं? जी सर, मेरा नाम अमित सैनी है, मैं आदित्य का फादर हूँ। तो कैसा लगा बच्चे को आपने, डीएम साहब ने सम्मानित किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? सर बहुत गर्व की बात है सर, बच्चे कोई भी काम करते हैं पेरेंट्स को तो अच्छा ही लगता है। और उसमें पूरी मेहनत इनके सर अरियंजन जी की भी है, जिन्होंने इनको सही मार्गदर्शन दिया जिससे ये लोग ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। और आगे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे, अभी तो शुरुआत ही है, जैसे सर ने अभी कहा है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ये इनके थ्रू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे सर। तो आपको लगता है कि आदित्य सैनी आगे चल के और भी बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे? सर आदित्य ने जो है 2 महीने पहले सर के पास आना शुरू किया है, और इंस्टीट्यूशन के साथ साथ ये घर पर भी हर टाइम इसकी प्रैक्टिस करता रहता था। इवन हम कई बार इरिटेट हो जाते थे कि यार तू चुप कर थोड़ी देर, बार बार हमको परेशान मत कर, मगर ये बोलता रहता था, कह रहा सर मुझे प्रैक्टिस करनी है पापा, और मुझे ये करना है क्योंकि सर ने मुझे कहा है मुझे रिकॉर्ड बनवाना है। तो हमने थोड़ा फिर इसको साथ दिया, इसकी बड़ी बहन, उन्होंने मोटिवेट किया, सर का गाइडेंस रहा, तो ये आज ये कर पाया। और कोशिश रहेगी कि आगे भी सर के गाइडेंस में आगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। आप? मैं अर्जुन की दादी हूँ। अर्जुन सैनी की दादी हैं आप? जी जी। अच्छा, तो अर्जुन की तो उम्र अभी काफी कम है, लेकिन प्रतिभा बहुत है। जी बिल्कुल, बचपन से ही एक्टिव है। तो कैसा लगा आपको जिस तरीके से अर्जुन लगातार सर का पूरा साथ है? इनके बगैर तो ये कुछ नहीं है। तो आपको लगता है कि जिस प्रकार पावनी ने यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और आदित्य ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो अर्जुन सैनी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।